संजय जी, आपने पूछा कि दाम्पत्य जीवन कैसा चला हुआ है। शादी से पहले एक भारतीय नारी का एक सपना होता है कि मेरा घर परिवार, मेरा पति ऐसा हो कि जो मुझे हर खुशियाँ दे, और पहलवान जी ने वो साबित कर दिखाया कि उन सपनों से वो 19 नहीं है, 21 ही है। और जो आज मैं हूँ, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब मैं दुखी होती हूँ या एरिया में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि मैं उनको टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उस समय पहलवान जी मेरे लिए एक साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक गुरु के रूप में वो एक ऐसी अहम भूमिका निभाते हैं कि मेरी प्रॉब्लम को वो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। और उन्होंने जो अपने ज़िंदगी में अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभव पर चलने के लिए वो मुझे अग्रसर करते हैं, अच्छाई बुराई में पहचान बताते हैं। और मैं धन्य हूँ कि मुझे पहलवान जी के रूप में कैसे पति मिले, क्योंकि जब जब जो मान सम्मान, जो आज समाज में मेरा एक रुतबा है, जो कृष्ण पहलवान परिवार मुझे एक मान सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो भी देन है पहलवान जी की देन है। क्योंकि कहते हैं हमेशा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं पूरे मतलब ऐसे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक पहली औरत ऐसी होंगी जिसकी सफलता के पीछे एक उसके पति का, एक आदमी का हाथ है। नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व है और सारा उत्तर भारत, विशेष तौर से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को एक पर्व के रूप में मनाता है। जी हाँ दोस्तों, हम इस पर्व के अवसर पर बात करना चाहेंगे दिल्ली देहात की एक ऐसी शख्सियत, जी हाँ आप अनेकों बार उनसे मिल चुके हैं, लेकिन आज एक विशेष महत्व है जन्माष्टमी का पर्व। जी हाँ, नीलम कृष्ण पहलवान है, दिचाऊ कला वार्ड से पार्षद है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। नीलम जी, जन्माष्टमी का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम राम। और देखिए, जन्माष्टमी का जो ये त्यौहार है, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और ऐसी मानता है कि इस दिन जो कोई पतिव्रता नारी या जो कुंवारी लड़की व्रत करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस दिन जैसे कि सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है ये जन्माष्टमी, तो इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से पूरे भारतवर्ष को और पूरे नजफगढ़ क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नीलम जी, मैं बात करना चाहूँ आपसे, जन्माष्टमी का पर्व है, जन्माष्टमी का यह त्यौहार नीलम कृष्ण पहलवान के जीवन में क्या महत्व रखता है? देखिए, इस त्यौहार का बड़ा खास महत्व तो होता है, क्योंकि यह एक धार्मिक त्यौहार के साथ साथ एक प्रेरणादायक भी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में कहा हुआ है कि इंसान अपना कर्म करे और फल की इच्छा ना रखे। जीवन में सुख दुख दो पहलू होते हैं जो हर एक इंसान के जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। तो इस ज्ञान का सबसे बड़ा महत्व है कि इंसान को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने हर समय में जब ज़्यादा खुशी हो तो भी स्थिर रहना चाहिए और जो दुख हो तो उसमें भी स्थिर रहना होना चाहिए। तो ये जो त्यौहार है, पहले तो जब मैं राजनीति में नहीं थी तो अपने परिवार के साथ ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। अब राजनीति में आने के बाद संजय जी, मेरा तो पूरा नजफगढ़ क्षेत्र ही परिवार है जी। और मुझे विभिन्न जगह से निमंत्रण भी आते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ से भी मेरे लिए बुलावा आता है, मैं हर एक जगह वो पहुँचूँ और उनके साथ, पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के साथ मेरे त्यौहार मनाने की कोशिश रहती है जी। तो इस त्यौहार का मेरे जीवन में बड़ा खास महत्व तो होता है जी। और देखिए, जन्माष्टमी का पर्व, जी हाँ, समस्त नजफगढ़ क्षेत्र को अपना परिवार मानती है, अपने ग्रस्त जीवन में और राजनीतिक जीवन में सामंजस्य स्थापित किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि सामाजिक सरोकार के
के विषयों से, जितने भी विषय जो सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं, क्षेत्रीय विषय हैं, उन सब में नीलम की भागीदारी अवश्य होती है। जी हाँ दोस्तों, यही राजनीति है और यही मानव जीवन है। जी हाँ, जिस प्रकार से ग्रस्त जीवन से लेकर के सामाजिक समरसता भरे जीवन में ये सामंजस्य स्थापित करती हैं, एक बेहतरीन उदाहरण है। आइए बात करते हैं नीलम जी से। जन्माष्टमी का पर्व है। नीलम जी, कृष्ण पहलवान आपके पति हैं, कृष्ण पहलवान की राधा कैसे बनी नीलम, जानना चाहेंगे जी। देखिए, मैं बड़े एक नॉर्मल परिवार से संबंध रखती हूँ और हमारे जो विचार थे वो कोई ऊंच नहीं थे, मीडियम हमारा परिवार था। तो हमेशा से मेरी ये इच्छा रही थी कि लव मैरिज के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो जो मेरे परिवार वाले पसंद करेंगे उसी से मैं शादी करूँगी। तो पहलवान जी के लिए परिवार वालों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने हाँ भर दी। और जब ये रिश्ता हुआ, हमारी 2005 में शादी हुई थी, तो पहले कभी ना हम मिले थे ना हमने बात की थी, तो तभी से मैं कृष्ण पहलवान की राधा बन गई थी जी। और देखिए यह जोड़ी, जी हाँ, एक और जहाँ राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ का नाम बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाता है, इसी प्रकार मैं कहूँगा कि दिल्ली की एक चर्चित जोड़ी है नीलम कृष्ण पहलवान। कैसा अनुभव रहा आपको और क्या समझते हैं कृष्ण पहलवान नीलम, दोनों ही पार्षद भी रहे हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं, ग्रस्त जीवन आपका जो दाम्पत्य जीवन है कैसा है? देखिए, पहलवान जी का साथ मुझे हमेशा से ही रहा है। जब मैंने ये बात आज तक किसी के सामने नहीं बोली, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम ये बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मैं कोमा में गई थी। जब जो मेरी कंडीशन थी वो एक पैरालाइज टाइप की थी, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जाता था बिस्तर से। तो उस टाइम पे पहलवान जी ने जो एक साथी समझ कर, एक मतलब ये समझ के नहीं कि मैं पति हूँ, पुरुष प्रधान हूँ, तो मैं क्यों नीलम के लिए ये करूँ वो करूँ, इन्होंने जो उस टाइम पे मुझे अनुभव कराया कि एक साथी ही सबसे बड़ा हमदर्द होता है, सहायक होता है, सब कुछ होता है। तो तब मैंने महसूस किया था कि देखिए, हर जन्म में पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे कि जो मुझे कृष्ण पहलवान जी पति के रूप में मिले। और मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि हमारे जो धर्म है उसमें ये मानता है कि पति ही परमेश्वर होता है। तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि सातों जन्म मुझे कृष्ण पहलवान जी जैसे ही पति मिले जी। और देखिए, हमने बात की नीलम जी से। जी हाँ, एक स्त्री जो पति परमेश्वर मानती है और अपने सभी कार्यों के साथ, जी हाँ, अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, और राधा कृष्ण पहलवान, जी हाँ, राधा कृष्ण और कृष्ण नीलम पहलवान, जी हाँ, यह जोड़ी आपको हमने बात की है, इनसे पूछा भी है, सारी बातचीत है, इन्होंने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी आपको दी हैं। नीलम जी, जिस प्रकार त्योहारों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, उमंग के साथ, उल्लास के साथ मनाते हैं, तो नीलम जी इस दिन खास क्या करती हैं? देखिए, मोस्टली टाइम तो मेरा जो एरिया में से मेरे इनविटेशन आते हैं उन्हीं में कीर्तन होते हैं, मंदिरों में झांकी निकाली जाती है तो उसी में हो जाता है। और मैं मोस्टली यही होता है कि जो मेरा लास्ट प्रोग्राम होता है वो मेरे दिचाऊ गाँव का होता है, वहाँ पूरे मेरा गाँव इकट्ठा होता है मंदिर में, वहाँ कीर्तन होता है और वहीं वो व्रत खोला जाता है। तो मैं उन्हीं के साथ 12 बजे व्रत खोलती हूँ और मंदिर में ही जो मेरी काकी ताई माता बहनें होती हैं सबसे मिलकर शुभकामनाएं दे के अपने घर आ जाते हैं जी। और देखिए, जिस प्रकार जीवन में त्योहारों का महत्व है, उसी प्रकार एक नारी के लिए, जी हाँ, एक नारी के साथ साथ जो सामाजिक जीवन में पदार्पण कर चुकी हैं, राजनीतिक जीवन में पदार्पण कर चुकी हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्व हो जाता है इन त्योहारों का। जिस प्रकार अपने ग्रस्त जीवन से लेकर के और समस्त नजफगढ़ क्षेत्र से आने वाले निमंत्रणों में सामंजस्य स्थापित करती हैं, बावजूद उसके अपने परिवार के साथ, दिचाऊ गाँव के साथ ये अपना जो व्रत खोलती हैं, एक भारतीय परंपरा का एक बहुत अच्छा उदाहरण नीलम जी प्रस्तुत कर रही हैं। सहयोगी पत्रकार रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।